सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें सरसों का तेल, पाम ऑयल, वनस्पति मूंगफली का तेल, इनके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक हो गए हैं। अब लोगों को उनका फैक्ट नहीं जानना है, बस एक ही फैक्ट उनको पता है कि हाँ रीजन क्या है ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार कारण है, सरकार की वजह से ये जो प्राइस है वो हाइक हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यार, तो हर चीज का ब्लेम सरकार के ऊपर फाड़ने से पहले एक बार जरा इन चीजों के बारे में सोच लिया करो कि भी रीजन क्या होते हैं इनके, एक्चुअल में रीजन क्या है ये जो प्राइस है वो हाइक हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो खाद्य तेल हैं जिनको हम खाते हैं तो इनके प्राइस हाइक क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है। तो सबसे पहले आपके सामने जो टेबल आ रही है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है 28 मई 2020 से 28 मई 2021 तक का, ये एक डेटा लिया गया है द इंडियन एक्सप्रेस से, ये न्यूज़पेपर है उसी से मैंने ये लिया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ग्राउंड नट यानी जो मूंगफली का जो तेल है वो पहले साल मतलब 2020 में 147 था, जो आज में बढ़कर 177 या 178 के नजदीक पहुंच चुका है। और मस्टर्ड यानी जो सरसों का तेल है वो तो भाई साहब आसमान ही तोड़े हुए है, 171 रुपए लीटर जाके वो पहुंच चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो प्राइस हाइक हो चुके हैं। और पाम ऑयल जो मतलब ये था कि जो सबसे अच्छा क्या मतलब जो एकदम बजट वाला तेल माना जाता था वो भी बहुत ज्यादा हाइक हो चुका है। और ये जो 6 प्रकार के जो एडिबल ऑयल्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा हाइक हुई है, 20% किसी में 56%, इतनी ज्यादा जो है वो प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। अब क्या रीजन है, क्या कारण है कि भैया ये जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक हो गई है। जो प्राइस हाई हुआ है उनके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज हुए हैं, जिसमें से एक जो फैक्टर है वो आपके सामने है। पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे देश में कंजम्पशन कितनी होती है और हमारा देश जो है वो प्रोड्यूस कितना करता है तेल। अगर आप देखें तो हमें 24 मिलियन टन तेल की आवश्यकता होती है हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए, और हमारे देश में प्रोड्यूस होता है अप्रोक्सीमेट 11 मिलियन टन, यानी हाफ लगभग हाफ यानी 13 मिलियन जो है वो एक तरीके से समझो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन का तेल जो हो गया वो हम अर्जेंटीना ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं, पाम तेल हम इंडोनेशिया मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, सूरजमुखी का तेल हम यूक्रेन और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करते हैं, यानी 56% जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑयल की वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आप ये सोचोगे कि पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, हम तो बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं, तो अब क्या रीजन हो गया कि जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक हो गए। जो सेकंड रीजन जो आपके सामने है, ये जो डेटा है वो कृषि मंत्रालय ने ही जारी किया, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 1993-94 और 2004 और 5 तक जो हमारी जो मंथली यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह जो तेल की जो खपत करता है, हर व्यक्ति हर महीने के अंदर जो तेल की खपत करता था वो 0.37 केजी यानी 300 मिलीलीटर लगभग 350-300 मिलीलीटर जो है वो गांवों में वो बढ़कर 480 मिलीलीटर हो गई, और शहरों के अंदर 550 मिलीलीटर से वो बढ़कर 660 मिलीलीटर हो गई, और 2011-12 में वो जस्ट इसकी डबल हो जाती है, जो गांवों में है 0.67 केजी यानी 670 मिलीलीटर वो बढ़ गई, और शहरों के अंदर 0.85 केजी यानी 850 मिलीलीटर वो बढ़ गई। अब ये जो था वो 2011-12 का डेटा था, आज की डेट में देखें तो आप 19.80 केजी यानी ये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 से तो आपको ये जो आंकड़ा जो निकल कर आएगा वो प्रति व्यक्ति प्रति माह का 1.5 लीटर जो है वो तेल की खपत कर रहे हैं, यानी जो हमारे तेल जो खपत हुआ करता था पहले प्रति व्यक्ति प्रति माह वो आज की डेट में 1.5 लीटर यानी काफी ज्यादा वो हद से ज्यादा वो बढ़ चुका है, 1.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता था। यानी आप देखें 1993 में जो तेल खपत हुआ करता था वो 350 मिलीलीटर से बढ़कर वो 1.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति माह हो चुका है। अब कंजम्पशन ज्यादा होगी क्या, वहां पर जो है वो तेल ज्यादा महंगा बेचने लग गए क्या? रीजन ये है कि जितने भी देश हैं से हम ये तेल इंपोर्ट करते हैं, जो ये खाद्य तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, वहां पर ये वेजिटेबल ऑयल से बायोफ्यूल जो वो बना रहे हैं। बायोफ्यूल एक तरीके से समझो कि डीजल है जिसके अंदर एस्टर जो होता है, एस्टर मिलाया जाता है उसके अंदर, एस्टर जो है वो वेजिटेबल ऑयल से निकलता है, वेजिटेबल ऑयल से निकाल कर उस ऑयल को डीजल में मिलाकर उससे ब्लेंडिंग कहते हैं, ब्लेंडिंग करके जो तेल है जो गाड़ियों में डलने वाला जो तेल है उसको सस्ता किया जा रहा है
ताकि वहां पर जो है वो जो तेल सस्ता हो जाए, गाड़ी चलाना सस्ती पड़ जाए। तो यानी जो चीजें हैं खाने वाली, उन चीजों से तेल बनाया जा रहा है, बायोफ्यूल बनाया जा रहा है इन बाहर के देशों में। फॉर एग्जाम्पल कि मलेशिया में 100 रुपए पर लीटर जो है वो पेट्रोल जा रहा है, अब वो वहां पर उनके पास ज्यादातर मात्रा में ये खाद्य तेल हो रहा है, तो वो यही कोशिश करेंगे ना इस खाद्य तेल को ब्लेंडिंग करके, यानी इसको मिक्स करके, सिंपल भाषा में बताऊं तो मिक्स करके एक बायोफ्यूल बना रहे हैं। मतलब जो खाद्य तेल है उसको डीजल और पेट्रोल में मिलाकर उससे जो उनकी कीमत है उनको कम करके उनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वहां पर गाड़ी चलाना उनके लिए आसान हो जाए। यानी गाड़ियों का तेल सस्ता करने के चक्कर में इंसान अपने खाने का तेल वो महंगा कर रहा है। अब अगला फैक्टर निकल के आता है कि चाइना, चाइना जो इतनी बड़ी मार्केट बन चुका है वो इन देशों से तेल इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि उसको जरूरत नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो जो है अपने इन देशों से इंपोर्ट किए जा रहा है। रीजन, क्योंकि वो स्टॉक कर रहा है तेल को आने वाले टाइम में, ताकि वो इस तेल को बेच के अपना बेनिफिट कमा सके। और जो मलेशिया से हम तेल इंपोर्ट करते हैं वहां पर लेबर स्ट्राइक चल रही है, ला नीनो जो है एक तरीके से एनवायरमेंट यानी फिर ज्योग्राफी का कंडीशन है, जिसकी वजह से फसल के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, सोया प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वहां पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा इसके कारण। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं क्रूड पाम ऑयल के ऊपर इंडोनेशिया और मलेशिया ने, इन्होंने इस चीज को इंक्रीज कर दिया। अब देखो यार, यहां पर कमाने के लिए इनके पास कोई साधन तो बचा है नहीं, अब साधन बचा नहीं है तो ये तो उसी चीज के ऊपर टैक्स लगाएंगे ना जो नेसेसरी हो रही जा रही है। अब इनको पता है कि ये जो तेल है ये तो जाएगा ही जाएगा, इतनी बेसिक चीज है, इसको तो लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके कारण हमारे देश में आने वाला तेल इन देशों से वो तेल महंगा होता जा रहा है। देखो अब बहुत सारे फैक्टर मैंने आप लोगों को बताए कि जिसके चलते वो तेल है इतना महंगा हो रहा है। पहला फैक्टर की जो रिक्वायरमेंट थी प्रति व्यक्ति प्रति माह की, वो इंक्रीज हो गई है। अब यहां पर जो जिन देशों से हम तेल मंगा रहे हैं वो अब वहां पर इन खाद्य तेलों का यूज ब्लेंडिंग करने में यानी बायोफ्यूल बनाने में कर रहे हैं, ताकि वहां की गाड़ियां सस्ती चल सके। ऐसा नहीं कि हमारे देश नहीं कर रहा है, हमारा देश भी E20 नाम की एक प्रक्रिया चला रहा है, जिसके अंदर 20% एथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा, जिससे हमारे पेट्रोल की खपत जो है वो बाहर से मंगाई कम जा सके। चीन जो है वो स्टॉक कर रहा है इन तेल का, मलेशिया के अंदर लेबर स्ट्राइक चल रही है, और ऊपर से इंडोनेशिया और मलेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण जो है प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर बाहर से इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है तो सरकार क्यों नहीं इनकी जो ये टैक्स लग रहा है इनके ऊपर इसको कम कर देती। काफी सारे सुझाव दिए गए। अब इनके रीजन ये दिया गया, अगर सरकार ने यहां पर प्राइस कम कर दिया या फिर टैक्स इन्होंने हटा दिया तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको लगेगा यहां पर तो सस्ता जा रहा है, तो वो और ज्यादा जो है वो प्राइस वहां पर इंक्रीज कर देंगे, जिससे ना तो सरकार को फायदा होगा ना कि जनता को फायदा होगा। फिर एक और सुझाव दिया गया, क्यों ना सब्सिडी दे दी जाए इस तेल, इन तेल के ऊपर। और जो सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन वो यही है कि जैसे हमने हरित क्रांति लाए थे हमारे देश के अंदर, जिसमें हम आत्मनिर्भर बन गए थे जितने भी खाद्य पदार्थ हो गए चावल गेहूं इन चीजों के अंदर, तो हमें यहां पर ऑयल सीड के लिए भी एक मिशन चलाना होगा, जिसके चलते हम यहां पर आने वाले टाइम में हमारा देश इन चीजों के ऊपर भी आत्मनिर्भर हो जाए। और ये देख लेना जो हमारे देश का किसान है वो इस चीज को समझ चुका है कि जो तेल वाले जो फसल है इन्हीं के ऊपर अब फायदा, इनके ऊपर ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, तो वो एक साल के अंदर आने वाले टाइम में बंपर प्रोड्यूस कर देंगे इन चीजों को, तो आने वाले टाइम में ये जो चीज है ये जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे। तो ये जो रीजन थे जो मैंने पढ़ा, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बस एक ही चीज दिखती है, सरकार, सरकार की वजह से सब चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है। कोई भी इंसान अपने लेवल के ऊपर जाकर उस चीज को सर्च नहीं करने लगेगा, बस उसको एक पोस्ट दिखेगा फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई हाँ गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, और यही कारण है कि भैया गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो रही है महंगाई कम करने में, बल्कि इंटरनेशनली चीजें महंगी होती जा रही हैं। देखें तो आप लोग जो है वो बायोफ्यूल बना रहे हैं, जहां पर हड़ताल चल रही है, चाइना स्टॉक कर रहा है, तो बहुत सारे रीजन है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अब इसके ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, तो जो अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या चीज आपको पसंद नहीं आई और क्या चीज आप एड ऑन करना चाहते थे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।